तो गाइस देखो ये है रेडबुल और इसे सिंपली अभी हम लोग पीने वाले हैं। अब ये मत बोलना भाई लोग कि यार आप किसी बताते हो आप पीते तो है नहीं, ठीक है। अभी अपन पी के दिखाएगा आपको। पर पी के देखते हैं कि कुछ अलग फील हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ठंड लग रहा था काफी, अब पीने में थोड़ा गर्मी आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई प्रेम कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडबुल एनर्जी ड्रिंक के बारे में कि ये क्या है और फायदा आपको कैसे मिल सकता है, कभी से लेना चाहिए, सारी जानकारी को वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी जाकर आपको एक पूरी नॉलेज मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला बात आता है कि रेडबुल जो एनर्जी ड्रिंक है लेने से फायदा आपको क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी काम को करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप रनिंग करना चाह रहे हो, उस टाइम आपको एनर्जी नहीं मिल रहा है तो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी का जरूरत होता है, ठीक है। आपको तुरंत एक एनर्जी चाहिए जिससे कि आप वो काम को कर पाएं, ठीक है। तो आपको ये वन टाइम जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप जिम में जा रहे हो तो आपको टाइट फील हो रहा, आप वर्कआउट करना चाहते हो लेकिन आपको बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो वहाँ पर आपको ये फायदा करता है। साथ ही साथ दोस्तों बता दूँ, मान लो आप स्टडी कर रहे हो, आपको रात में जागना पड़ता है, ठीक है। तो रात में जागना है तो आप कैसे जाग पाओगे, आपको नींद आ रहा है, आपका एग्जामिनेशन है, आपको एग्जाम देना है कल जाके, तो आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो लेट नाइट पढ़ाई करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो नींद होता है वो नींद आपका फट जाता है, कह सकते हैं फट जाएगा, आप आराम से पढ़ पाओगे। और बहुत सारे जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं या एनर्जी का सामान होता है, जैसे कि आप मानो कोई भी मौसमी का जूस पीते हो, ठीक है, तो वो लॉन्ग टाइम पर एनर्जी आपको प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जो ये एनर्जी ड्रिंक होता है, ये रेडबुल एनर्जी ड्रिंक जो होता है, वो आपको जो है इंस्टेंट एनर्जी पहुँचाता है, साथ ही साथ आपके बॉडी में एनर्जी बढ़ाता है और आपके माइंड को भी एक्टिव करता है। आप जूस पियोगे तो आपको बॉडी में एनर्जी आएगा लेकिन माइंड को एक्टिव वो नहीं करता है, लेकिन अगर रेडबुल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको माइंड को जो है एक्टिवेट कर देता है तुरंत। मान लो पढ़ाई करना चाहते हो, आपको नींद आ रहा है, तो आप जैसे पियोगे ऑटोमेटिक जो माइंड होता है ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं कभी करके देख चुका हूँ, ठीक है। जब मुझे पढ़ाई करना होता है या मुझे कुछ वर्क करना है, जहाँ मुझे हमें मान लो वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मुझे नींद आ रहा है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है कैफीन का मात्रा जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। कैफीन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि मैं कॉफ़ी जो आप पीते हो, ठीक है, तो उसमें कैफीन का मात्रा जो होता है ज़रा कम होता है, जिससे वो कुछ देर तक काम कर पाता, लेकिन इसके अंदर जो होता है कैफीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपकी नींद को फाड़ने के लिए या नींद को हटाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके अंदर एक बात आता है कि इसे जो है आपको कब पीना चाहिए, ठीक है, क्या इसे रेगुलर बेस पे पीना चाहिए, क्या हम इसे डेली पी सकते हैं कि मुझे जब वीकनेस लग रहा है तो इसे डेली पीना चाहिए, नहीं। अगर आपको है डेली के लिए एनर्जी चाहिए तो आप मौसम्बी का जूस वगैरह पी सकते हैं, ठीक है, सेव केला जो भी चीज़ें खा एनर्जी होते हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि आपको वो लॉन्ग टर्म पे एनर्जी देता है। लेकिन ये क्या है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी देता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तब पी सकते हैं, आप रनिंग करना चाहते हैं तो पी सकते हैं, ठीक है, आप जिम में वर्कआउट करना चाहते हैं तब पी सकते हैं, जब भी आपको वीकनेस फील होता है तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तुरंत, आपको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हुआ तब। बिल्कुल, मैंने पहले वीडियो बनाया था और बहुत भाइयों का सवाल आ रहा था कि प्रेम भाई हम इस एनर्जी ड्रिंक को कब पियेंगे, कब हमें पीना चाहिए, ठीक है, रनिंग से कितना देर पहले जो कह सकते हैं पीना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए आप आर्मी FCGD या 200 मीटर 400 मीटर किसी भी इवेंट में जाते हो तो जो रनिंग से पहले जो है आपको कम से कम आधा से एक घंटा पहले इस एनर्जी ड्रिंक को लेना चाहिए। वो क्यों लेना चाहिए आपको बता दूँ, किसी भी जो एनर्जी ड्रिंक जो होता है वो देख सकते हैं कि ये जो रेडबुल का एनर्जी ड्रिंक है वो 250 ml का बोतल है, ठीक है, 250 ml यहाँ पे दिखा देता हूँ, पता नहीं 250 ml का होता है। 250 ml का मतलब होता है दोस्तों कि समझ लीजिए एक गिलास पानी जो आप पीते हैं उसके बराबर, ठीक है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि भाई रनिंग जैसे स्टार्ट हुआ, आप 2 मिनट पहले आपने पिया, फट से रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे आपको दिक्कत ये हो जाएगा ना कि आपका पेट दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको जब पता हो कि जब हम रनिंग करते थे हमारा पानी नहीं पीना चाहिए, आप रनिंग करोगे आपका पेट धप धप करेगा, पेट भी दर्द करने लगेगा। तो रनिंग से आधा घंटा पहले आपको, एक घंटा पहले आपको पी लेना चाहिए, चाहे आप किसी भी इवेंट भाग रहे हो, 200 मीटर 400 मीटर 1600 मीटर किसी भी इवेंट में भाग रहे हो तो एक घंटा पहले आपको पी लो। साथ ही साथ अगर हो सके तो एक बार बाथरूम चल जाना, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर का जो भी पानी रहेगा आपके पेट के अंदर जो यूरिन रहेगा वो बाहर निकल जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम रनिंग के टाइम में नहीं होगा। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो एक बात का आपको ध्यान देना कि इसका क्वांटिटी आपको कितना लेना चाहिए, कितना आपको पीना चाहिए दिन भर में। तो इसके ऊपर लिखा भी गया है, ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं कि 250 ml का ये बोतल है
और इसमें लिखा गया कि दिन भर के अंदर जो है आप 500 ml जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 500 ml से इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, यानी दिन भर में आपको दो बोतल ही कैन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दो कैन से अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बॉडी पे हार्म इफेक्ट कर सकता है। जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ का जो अति होता है, यानी किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में फ़ायदा, तो अगर आप कम इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है फ़ायदा भी होता है, अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ज़्यादा इस्तेमाल पर नहीं भी करना है। इसके अंदर एक चीज़ और आता है कि दोस्तों इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है ठीक है और कौन कौन नहीं कर सकता। तो जनरली बता दो, जैसे मेरा एज जिस देख सकते 20 साल का है तो ठीक है, तो उस टाइम अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको एक चिलेंड है यानी आपका उम्र जो है 12 साल 13 साल हो रहा है तो इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके बोतल के ऊपर भी लिखा हुआ कि चिलेंड नॉट अलाउड है ठीक है इसके अंदर। साथ ही साथ अगर आप एक लेडी हैं, आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें, वरना क्या होगा कि आपके जो बच्चे पे बहुत ज़्यादा हार्म इफेक्ट कर सकता है, तो इस तरह कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जितने लोग जो है आर्मी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं ठीक है, मेरा मानना ये कि अगर आप ऐसे रनिंग कर सकते हैं, देखो प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर कुछ होगा। बहुत लोग बोलते हैं भाई हम क्या रेडबुल पी के रनिंग करेंगे तो हमारा रनिंग निकल जाएगा। तो भाई कोई भी रेडबुल हो या कोई भी बुल हो या कोई भी एनर्जी ड्रिंक हो, आपके एनर्जी को बढ़ाता है ना कि आपके रनिंग स्पीड को बढ़ाता है। इस बात का ध्यान रखना तभी पीना। और जैसे मैंने बताया कि डेली बेस आपको नहीं पीना है ठीक है, कभी कभी पी सकते हैं जब आपको एनर्जी का जरूरत हो, इसमें ध्यान देने वाली बात है। और साथ ही साथ दोस्तों मुझे लगता है कि इसके रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो बनाया था, वो वीडियो देख लो, वहाँ पे आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता लगता है कि मैंने आपको ये नॉलेज चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट का जो रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दे देता हूँ सारे लोगों का। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के हेल्थ एंड फिटनेस, रनिंग, आर्मी, मोटिवेशन वीडियो सारे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।